अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं किचियू, जो गुजराती डिश है। बहुत ही टेस्टी नाश्ता है ये। इसके अंदर सेंग का तेल और अचारी मिर्ची डालते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम बनाते हैं। कोतमीर और हरी मिर्ची को हम पीस लेंगे। इसको जाड़ा मोटा पीसना है, बारीक नहीं करना है एकदम। इसको मिक्सी जार में डाल के हम पीस के साइड में रख देंगे। एक पतीली में 3 कप पानी लेंगे। पानी ले लिया हमने। एक पिंच अजवाइन लेंगे, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच तिल, 1 पिंच सोडा खार लेंगे, 2 चम्मच तेल, 1 नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, 1 चम्मच शक्कर लेंगे। इन सबको हमें पकाना है। इसमें बॉयल आने तक के हमें पकाना है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं हमारा वो पेस्ट जो हमने पीस के रखा था, कोतमीर और हरी मिर्ची का पेस्ट। 2 चम्मच डालेंगे और इसे बॉयल आने तक के हमें पकाना है। इसमें हमें देखिए हमारा ये बॉयल आ चुका है। इसमें अब हम इसमें डालेंगे अपने चावल के आटे। 1 कप चावल का आटा है ये। इसे इस तरह से बेलन की मदद से आप चला सकते हैं। इसमें गुठलियाँ ना बने इसलिए इसे जल्दी जल्दी चलाना है और बहुत ही अच्छे से चलाना है, ध्यान से। कैसे देखिए चला रही हूँ ना मैं, जिस तरह से इसी तरह से चलाना है एकदम अच्छे से। इसको सब फोड़ते हुए और इसको लगातार चलाते रहना है, जल्दी जल्दी चलाना है, गुठलियाँ बनने नहीं देना है। इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इस तरह से एक पेस्ट बन जाएगा इसका। पूरी तरह से इसे अच्छे से घुट घुट के चलाते रहना है। देखिए इसमें लम्स ना बने, अच्छे से इस तरह से चम्मच से फोड़ते जाना है इसे। देखिए ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और सब अच्छे से आटा पानी में घुल चुका है। देखिए कितना अच्छा बन चुका है। इसी तरह से आपको भी करना है। अब हम इसको एक डब्बे में निकालेंगे जिसके हमें स्टीम देना है। उस बर्तन में हमें इसको निकाल लेना है। इसा सब इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए ये मैंने निकाल लिया है। अब एक बर्तन में हम पानी लेंगे जिसे बॉईल करने रखा था मैंने। बॉईल आ चुका है। अब हम इस डब्बे को इसके अंदर रख देंगे। ये हमारा स्टीम हो रहा है। 5-10 मिनट बाद हम इसे निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा बना है और अच्छे से कुक हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बना है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।